आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रधानमंत्री जी का एक भावनात्मक जुड़ाव है और रेलवे के हर डायमेंशन को, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, पैसेंजर एमिनिटीज़ हो, सेफ्टी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का जो काम है उसमें टोटल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट हो वो शहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इसका इंटीग्रल डेवलपमेंट के माने क्या है? इंटीग्रल डेवलपमेंट में इस तरह से है, स्टेशन के दोनों तरफ शहर का विस्तार हुआ तो जनरली हम देखते हैं कि पुराने शहर जितने भी हैं उसमें रेलवे स्टेशन एक तरीके से शहर के दो हिस्सों के बीच में स्थित रहता है। तो स्टेशन शहरों को, शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली कड़ी बने, ऐसा डिज़ाइन का एलिमेंट आना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि स्टेशन के साथ साथ जब शहर डेवलप हुए तो बहुत कंजेस्टेड तरीके से अलियां गलियां बनी और वहाँ पे आना जाना मुश्किल होता है, तो किस तरह से स्टेशन तक आना, स्टेशन से जाना, उस एरिया से निकलना, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक का प्लानिंग करना है वो आज के हिसाब से नहीं, आगामी 50 वर्षों के हिसाब से सोच के वैसी प्लानिंग करो जिससे कि कोई भी काम करने में एक स्थायी समाधान निकले शहर के लिए। तीसरा, स्टेशन के अंदर अगर हम जाएं तो आज हम देखते हैं कि स्टेशन की बिल्डिंग होती है, फिर प्लेटफॉर्म होते हैं, फिर पटरियां होती है, फिर एक फुट ओवर ब्रिज पुलिये के ऊपर से अगर जाएं फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिर आगे पटरियां होती है। ये कंस्ट्रक्ट 100 वर्षों से चला आ रहा था। इसकी बजाय एक नया डिज़ाइन एलिमेंट जिसमें कि रूफ प्लाजा एक बने। रूफ प्लाजा का माने क्या हुआ कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स और पटरियां हैं इनके ऊपर की जो स्पेस है इस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। यहाँ पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक नई एक स्थाई जगह बने जिस पर फूड कोर्ट्स हो, अच्छा वेटिंग एरिया बने, बच्चों के खेलने के लिए जगह बने। मान लो पेरेंट्स जा रहे हैं बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चों को उस वक्त संभालना मुश्किल सा होता है। मैं तो जब बच्चे छोटे थे तो कई बार एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, तो खेलने की एक छोटी सी जगह बन जाए। लोकल प्रोडक्ट्स है, अगर आप जाओ किसी भी शहर के, देश के कोने कोने में जाओ, कहीं पे साड़ी, कहीं पे खिलौने, कहीं पे अलग तरह की मिठाई, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की सेल का भी एक पॉइंट हो। तो ये जो रूफ प्लाजा बने, ये रूफ प्लाजा एक नई अर्बन स्पेस की तरह डेवलप हो जिसमें, जैसा आपने कई अच्छे वर्ल्ड क्लास स्टेशंस में देखा होगा, इस रूफ प्लाजा में बहुत सारी फैसिलिटीज रहे। चौथा, हर तरीके से दिव्यांग फ्रेंडली, हर तरीके से पॉसिबल हो, ग्रीन सोलर पैनल्स लगे रूफ के ऊपर, एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज हो, सफाई और इन सब की चीज़ों का एक इंटीग्रल तरीके से डेवलप हो, तो ये एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिज़ाइन हो। आप सबके सामने आज कैबिनेट में भी इसका फैसला लिया गया। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज़ में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। तीन जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली,
मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये तीन जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। उसके डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखेंगे। अगर स्टेशन आपके सामने, इसके आप अगर देखते हो, ये आज की सिचुएशन है, ये आज का स्टेशन है। इसके पूरे एरिया को अगर आप देखते हो, एक तरफ पहाड़गंज, एक तरफ अजमेरी गेट, और प्लेटफॉर्म एरिया एक तरीके से स्क्यूड सा है। कुछ ट्रैक्स पहाड़गंज की साइड लंबे ज़्यादा हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स अजमेरी गेट की तरफ लंबे ज़्यादा है, और शहर का एक सेंट्रल प्लेस है कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कस, जो उसके एकदम नज़दीक उसके साथ ही जुड़ा हुआ स्टेशन है। इसका कंप्लीट मास्टर प्लान, जितना भी उसमें रेलवे की लैंड है और रेलवे के आसपास की लैंड है, जिसमें कई सारे ऑफिसेज हैं, कई तरह की कॉलोनीज हैं, उन सब को दिल्ली के मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट करके एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उस कॉन्सेप्ट पे पूरा इसका मास्टर प्लान बनाया गया है। इस मास्टर प्लान में प्लेटफॉर्म, स्टेशन और उसके चारों तरफ जो ट्रैफिक का फ्लो रहेगा, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। किस तरह से लोग आए तो उनको पार्किंग के लिए स्पेस मिले, वो पार्किंग की स्पेस, तीन यहाँ पे मोड्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, रेलवे, बस और मेट्रो, प्लस अपनी पर्सनल कार से कोई आए, ऑटो से आए, साइकिल से आए, इन सब की, इन सारे के सारे मोड्स को सीमलेस इंटीग्रेशन का इसमें प्लानिंग है। किस तरह से ड्रॉप ऑफ जोन्स रहेंगे, किस तरह से पिकअप जोन्स रहेंगे, ये कंप्लीट इसका मास्टर प्लान है। ये आपके सामने कंप्लीट इसका मास्टर प्लान है। दो जो डोम्स देख रहे हैं आप, ये दोनों डोम्स ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डोम्स हैं स्टेशन के डोम्स। 4 फ्लोर्स होंगे उसमें, रूफ प्लाजा के 4 फ्लोर्स होंगे, और उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स, और उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसका एक मास्टर प्लान DDA, दिल्ली गवर्नमेंट, CPWD, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, DUAC वगैरह वगैरह, जितनी भी हमारी दिल्ली की एजेंसीज हैं, UTPAC, उन सब एजेंसीज के साथ मिलके इसका एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। ये आप अगर देखेंगे, ये दोनों डोम्स स्टेशन के हैं, और उसके चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड्स का कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। चारों तरफ आपको एलिवेटेड रोड का कॉरिडोर इसमें बनेगा। एंट्री से लेके एग्जिट तक एकदम सीमलेस फ्लो होगा ट्रैफिक का। ये स्टेशन का व्यू दिखेगा, एलिवेटेड रोड्स, ये आप देख रहे हैं, ये रोड्स इसकी एंट्री और एग्जिट की एलिवेटेड रोड्स रहेंगी। ये कंप्लीट एक तरीके से उस एरिया का कंप्लीट रिजुविनेशन होगा इस स्टेशन के डेवलपमेंट के साथ ही साथ। ये अंदर से व्यू, रूफ प्लाजा, 1, 2, 3, 4 व्यूज हैं उसके अंदर। जैसा विस्तृत तरीके से अगर आप देखें, बहुत सारे अच्छे स्पेशियस वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट्स, बच्चों के खेलने के लिए अलग से जगह, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रखने की अलग से जगह, सेल्स की जगह, इस तरह से करके पूरा एक इंटरनेशनल तरीके से इसका डेवलपमेंट का प्लान बना है। जो भी पैसेंजर्स आएंगे वो रूफ प्लाजा के लेवल पे ही उतरेंगे, वहाँ पे वेट किया और जब गाड़ी आई तब एस्केलेटर से या सीढ़ियों से नीचे आके प्लेटफॉर्म पे आए और प्लेटफॉर्म पे आके गाड़ी पकड़ी, या फिर जब गाड़ी से उतरे तो प्लेटफॉर्म से रूफ प्लाजा पे चढ़े और उसके बाद में फिर जो एग्ज़िट है वहाँ से निकले। तो अभी का जो कॉन्सेप्ट होता है कि प्लेटफॉर्म पे उतरे, FOB जो फुट ओवर ब्रिज होता है, पुलिया होता है छोटा, उस पुलिया के ऊपर चढ़े, चढ़ के बाहर निकले, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट है कंप्लीट एक रूफ प्लाजा बनता है। इस रूफ प्लाजा पे आपका जो पैसेंजर्स का रहने का, वेटिंग का, खाने का, वो सारा का सारा उस पे है। जब गाड़ी आई तब नीचे उतरे, और जब गाड़ी से भी जब अलाइट हुए तब भी फिर सीढ़ियों से, एस्केलेटर से चढ़ के रूफ प्लाजा पे आए, रूफ प्लाजा से फिर बाहर निकले। ये कॉन्सेप्ट है रूफ प्लाजा का, जो कि अब कॉमन रहेगा इन सभी डेवलप्ड, रीडेवलप्ड स्टेशन्स में।
मल्टी लेवल कार पार्किंग है, मल्टी लेवल बस पार्किंग है, बसेस जितनी भी BRT की बसेस हो, DTC की बसेस हो, उन सब के लिए प्रॉपर एक इसमें व्यवस्था, ऑटो के लिए अलग से व्यवस्था, ऑटो के लिए विशेष व्यवस्था की गई है क्योंकि दिल्ली में ऑटो एक बहुत अच्छा साधन है, मेट्रो के साथ बहुत अच्छा इसमें इंटीग्रेशन किया गया है। इस तरह से ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर अगर देखें, ये न्यू दिल्ली का स्टेशन, इसका मास्टर प्लान। मैं नेक्स्ट आता हूँ, सेम प्रिंसिपल्स पे डिज़ाइंड है अहमदाबाद का स्टेशन, ये अहमदाबाद का स्टेशन है। इसमें सन टेम्पल का फॉर्म डिज़ाइन एलिमेंट्स में लिया गया है, जो बीच में आप आर्च देख रहे हैं ये सन टेम्पल है मोढ़ेरा का, उस सन टेम्पल के आर्किटेक्चर को लेके इसमें बनाया गया है। और ये जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब प्लस ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ स्टेशन के साथ ही साथ। ये आज का स्टेशन है, इस स्टेशन को जब नया बनाएंगे तो इसमें कंप्लीट, आपने देखा होगा अगर, एकदम कंजेस्टेड एरिया है आसपास का, क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत ही बिजी स्टेशन है और कई दशकों से इसका डेवलपमेंट चलता आया, तो उस हिसाब से आसपास के शहर में बहुत इसकी ग्रोथ हो चुकी है। इन सब का ध्यान रखते हुए ये टोटल इसके मास्टर प्लान के एलिमेंट्स हैं, किस तरह से इसमें रूफ प्लाजा बनेगा, डिपार्चर पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स सब सेपरेट, और कंप्लीट चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड का नेटवर्क, चारों तरफ स्टेशन के चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड का नेटवर्क, जिससे कि आना जाना बहुत आसानी से हो सके। डिपार्चर लॉबी अलग से, अराइवल एरिया अलग से, ये रूफ प्लाजा जो मेज़नाइन पे होगा, इसमें तीन लेवल्स हैं, एक लेवल है उसके ऊपर लेवल है और तीसरा हाफ लेवल है, इस तरह से इसकी डिज़ाइन है। इसमें पूरा वेटिंग एरिया, रहने का, लाउंजेस, खाने की एरिया, सब बाहर का जो एरिया, स्टेशन के बाहर का एरिया, उसमें बहुत ध्यान रखा गया कि दो, एक झूलती मीनार है और एक और मीनार है जो कि बहुत अच्छी आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस की पुरानी मीनारें हैं, जो कि उनका बहुत ध्यान रख के उसके आसपास कहीं भी कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो, और शहर के बीच में एक ऐसी स्पेस रहे, ओपन स्पेस, जहाँ पे कोई भी म्यूज़िक का प्रोग्राम हो सके, कोई भी फोक डांसेस हो सके, कोई भी जो एक शहर के हिसाब से एक रहता है परफॉर्मेंस के लिए, एक वाइब्रेंट स्पेस रहे शहर के बीच में। तो वो ये जो आप देख रहे हो अडलाज के स्टेप वेल का जो आर्किटेक्चर है, वो लेके एक एम्फी थिएटर बनाया गया है। अडलाज के जो स्टेप वेल्स है, गुजरात से जो परिचित होंगे वो जानेंगे इसको, उसके हिसाब से एक स्टेप वेल्स के हिसाब से एम्फी थिएटर की व्यवस्था भी की गई है। तो एक तरीके से जो कंस्ट्रेंट था झूलती मीनार का, आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, उस कंस्ट्रेंट को एडवांटेज में कन्वर्ट करके डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपके एक ओपन स्पेस, ओपन थिएटर टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाए। ये कंप्लीट स्टेशन का डिज़ाइन है, और कंप्लीट अगर आप देखें चारों तरफ एलिवेटेड रोड है, तो एलिवेटेड रोड से बहुत ही आराम से आना जाना उसमें पॉसिबल होता है। ये ऊपर से एरियल व्यू दिखाया गया है, कंप्लीट पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रूफ प्लाजा बनी हुई, ये ड्रॉप और डिपार्चर प्लाजा साउथ साइड से देखने का, वैसे ही ये डिपार्चर प्लाजा, ये नॉर्थ साइड से इसका व्यू, और ये कंप्लीट ओवरऑल मास्टर, कालूपुर जंक्शन की साइड से देखो तो वो, और ये कंप्लीट इसका मास्टर प्लान। ये दोनों जो ब्रिक मीनार और झूलता मीनार है वो बीच में आपको दिखाई देगी, बहुत ही एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी की चीज़ है। कभी आप अहमदाबाद जाएं तो देखें, ये एक मीनार को अगर हिलाओ तो दूसरी मीनार अपने आप हिलती है, इस तरह का इसका कई 100 वर्षों पुराना इतिहास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्किटेक्चर है इसका, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को बनाया गया है। ये एलिवेटेड रोड्स। अब मैं आता हूँ तीसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस, हमारी एक प्राउड हेरिटेज है, उस हेरिटेज को बहुत ही केयरफुली, हेरिटेज के हर एक एलिमेंट को ध्यान रख के, शहर में जो, शहर में और दुनिया भर में जो हेरिटेज के खास जानकार लोग हैं, उन सबको कंसल्ट करके, उन सबको इन्वॉल्व करके, उन सबको साथ बैठा के इस स्टेशन का डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखें तो दुनिया में इस तरह की हेरिटेज के डिज़ाइन गिने चुने हैं, तो ये एक ऐसी सौगात है जिस सौगात को हमें बहुत प्रिजर्व करके,
बहुत ही सोच समझ के उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये सामने वाली हेरिटेज फसाद को केवल हेरिटेज रेस्टोरेशन वर्क होगा, और जो साइड में जिन्होंने सीएसटी टर्मिनल देखा होगा वो समझते होंगे आराम से कि जहाँ से एंट्री होती है आज, साइड वाला जितना भी है उसका एक मॉडर्न डेवलपमेंट किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में और बाकी स्टेशंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे सबर्बन सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, जो मुंबई लोकल कहते हैं जिसे हम, सबर्बन सर्विसेज बहुत ज़्यादा है। जैसे अपने दिल्ली में मेट्रो है, वैसे मुंबई में सबर्बन सर्विसेज हैं। डेली 85 लाख के आसपास पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल करते हैं मुंबई के सबर्बन में, भारतीय रेल उसको चलाता है। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत जो पुरानी इसकी पिक्चर्स थी उन सबको देखा गया, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था, कहाँ पे क्या एलिमेंट्स कहाँ से लाए गए थे, उन सब को ध्यान में रख के सबकी स्टडी करके फिर बाद में डिज़ाइन बनाया गया। ये इसका कंप्लीट डिज़ाइन इस तरह से रहेगा। जो हेरिटेज वाला पोर्शन है इसको बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे जो नए नए कंस्ट्रक्शंस हुए पिछले 20-30 सालों में, कई एक DRM ऑफिस नया बना, उस ऑफिस ब्लॉक का कोई हेरिटेज के साथ संबंध नहीं है, एक बिल्कुल इनकॉन्ग्रुएंट सी बिल्डिंग नज़र आती है, उन सब को रिमूव करके उनकी जगह एक बहुत सुंदर हेरिटेज के साथ कॉन्ग्रुएंट डिज़ाइन, उसके साथ सिम्बायोटिक डिज़ाइन, उसके साथ मैच होती हुई डिज़ाइन इसमें इंक्लूड की गई। और फिर रूफ प्लाजा वाला एलिमेंट लाया गया है, प्लेटफॉर्म और पटरियों के ऊपर कंप्लीट एक बड़ी सी अर्बन स्पेस क्रिएट की गई है, जिसमें लोगों का मूवमेंट वहाँ पे आप अगर देखेंगे शाम को 5 बजे के आसपास या सुबह पीक टाइम ऑफिस के टाइम बहुत रश होता है, सीवियर रश होता है। तो उस रश को कैसे आराम से कंफर्टेबली लोग बाहर निकल सके, कंफर्टेबली ट्रेन में आ सके, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए इसका डिज़ाइन किया गया है। ये इसके मास्टर प्लान के एलिमेंट्स हैं। नए जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से उन सब का हब एक जगह, और जो सबर्बन ट्रेन से उनका हब एक जगह, उन सब को ध्यान में रख के हेरिटेज नोड, सबर्बन रोड, लॉन्ग डिस्टेंस नोड, और इसके पूरे के पूरे स्टेशन के ऊपर रूफ प्लाजा, लंबी रूफ प्लाजा एक बनती है इसमें। ये इसका हेरिटेज वाली साइड एक तरफ रही, उसके दूसरी तरफ वाली साइड में स्टेशन का कंप्लीट डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत हाई राइज नहीं लेंगे, यहाँ पे जो हेरिटेज की भव्यता कहीं पर भी कम नहीं हो, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लो राइज बिल्डिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सारा बिल्डिंग मटेरियल हेरिटेज के साथ मैच करते हुए, हेरिटेज बिल्डिंग के साथ मैच करते हुए उसको यूज़ किया जा रहा है। इसमें अंदर एकदम मॉडर्न दिखेगा, बिल्कुल जैसे बाकी रीडेवलप्ड स्टेशन से, उन्हीं की तरह इसमें भी एक पूरा मॉडर्न रूफ प्लाजा एरिया, अराइवल डिपार्चर एरिया, कंप्लीट रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स, जैसा आपने देखा ग्रीन बिल्डिंग्स बननी है, और जो पैसेंजर्स का फ्लो रहेगा पीक टाइम्स में उसका बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा गया है कि भीड़ बिल्कुल नहीं हो, बड़े आराम से लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट कर सके। ये टोटली नया एंट्रेंस बनाया जा रहा है इसका, जिससे कि ये टर्मिनस है, यानी यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी एंड होती है, तो इसमें पटरियाँ थ्रू पास नहीं होती, एक जगह पे है, जैसे पटरियाँ सारी यहाँ से आई, ये बिल्डिंग इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। तो उस हिसाब से एक पूरा इसका नया कंप्लीट रीडेवलपमेंट इसका CSMT का होगा। ये कंप्लीट इस तरह से दिखेगा, हेरिटेज वाला पोर्शन हेरिटेज रिस्टोर होने के बाद में, और उसके साइड में जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, वो कंप्लीट नई बिल्डिंग बनेगी, और पूरी रूफ प्लाजा नया बनेगा, और अच्छे से रूफ प्लाजा 2 लेवल की है, एक लेवल पे रूफ प्लाजा पे चलने फिरने की जगह, और उसके ऊपर रूफ है इस तरह से, और सामने पूरे एरिया में ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम फ्री फ्लो हो ट्रैफिक का, वो ध्यान रखा गया। ये रात में इस तरह से दिखेगा, आप सबकी जानकारी के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डिज़ाइंस जब हो रही थी, एक एक डिज़ाइन में प्रधानमंत्री जी बारीकी से, उन्होंने लंबे लंबे प्रेजेंटेशंस के थ्रू, ये तो आपको शॉर्ट प्रेजेंटेशन किया है, लेकिन एक एक एलिमेंट पे बारीकी से उन्होंने हर जगह रिव्यू किया, खूब टाइम दिया, जितनी बार भी मीटिंग मांगी स्टेशंस के लिए, हर बार उन्होंने इसमें एक पर्सनल गाइडेंस हर वक्त पे दी। बहुत धन्यवाद।